मोहतरम दायम दायम साहब, भैया नारे तुम लगाते हो, सामने रहो। अब तो ऐसा वक्त है कि बस नेटवर्क जाने लगे तो कम से कम तुम तो सहारा दे दो। नारे हैदरी! अरे ये बच्चा पढ़ के जा रहा है, कम से कम वो जो देखते हैं और हमारे बुजुर्ग आलिमों से मुनाजरे की बात करते हैं वो हमारे बच्चों का हौसला तो देखें। जुमला पढ़ू, अरे हमारा बचपन उनका बचपन बराबर नहीं है या हमारा न रह जाए। इसलिए एक शेर पूरी कुव्वत और तमानाई के साथ पढ़ रहा हूं कि किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फर्श आजाद तक नहीं आती। बेहुबे अली देखी दुआ बोल उठे आदम, ये आदमी कैसे है दुआ तक नहीं आती। अरे मौला मेरी इमदाद को पहुंचे हैं वहां भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। मौला मेरी इमदाद को पहुंचे हैं वहां भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। मैंने इसलिए मिसरे सुनाए ताकि ऐसे शायरों को भी बुलाइए। मैं बड़े ही अदब और इत्राम से गुजारिश कर रहा हूँ, मोहतरम मुकर्रम मुअज्जम अभी मुअम्मम नहीं हुए, मोहतरम मीम से ही मुनव्वर जलाल पूरी। वो और होंगे जो तीरों कमान रखते हैं, वो और होंगे जो तीरों कमान रखते हैं, हुसैन वाले हथेली पे जान रखते हैं, वो और होंगे जो तीरों कमान रखते हैं। बहुत करीब है इस वक्त आपसे मोहतरम बेताबर लोही साहब, मैं चाहता हूं कि वो और करीब हो जाएं अगर आपकी समातें ऐसी बिला दें, मैं जल्दी जगह ले लूंगा। बेताब भाई समात के हुसैन वाले हथेली पे जान रखते हैं, यजीद का कोई हामी हुसैन आज भी एक खान दान रखते हैं। जिस जिसका भी अकीदा है वो मेरे साथ बोल देगा इंशाल्लाह। एक मनकबत मैं आपको सुना के जाऊंगा, पहली मतलब मेरे भाई तशरीफ रखते हैं, समाप्त करें हजरत। हुसैन वाले हथेली पे जान रखते हैं, किसी भी धर्म का इंसान करबला जाए, किसी भी धर्म का इंसान करबला जाए, हुसैन सबको वहां मेहमान रखते हैं, हुसैन सबको रखते हैं। बोलना तो इस शेर पे आपको, जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हमारे मोहतरम आमिर साहब स्टेज पे बैठे हुए, तभी सभी शोरा इकराम की दुआओं के साथ मैं एक शेर नजर करता हूँ, समाप्त करें। हुसैन वाले हथेली पे जान रखते हैं, हमारे मुल्क को हिंदुस्तान रखते हैं।
हुसैन ख्वाहिश हिंदुस्तान रखते हैं। सलवा बाबा से बुलंद पढ़े हुजरा। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा चाहता हूँ कि और बेदार हो जाइए आमिर साहब। नहीं बेदार तो मजमा माशाल्लाह बहुत है। अच्छा फिर आप 10 बजे से मुसलसल आप ही को सुनना है, आप ही को दाद देना है, शायर को 10 मिनट 2 मिनट 18 मिनट 20 मिनट पढ़ के बैठ जाना है तो एक रदीफ आप तक पहुँचे। बहुत कीमती अशार इंशाल्लाह आप लुत्फानंदोज होंगे। समाप्त करें। जश्न हैदर का मनाने की कसम खाई है, जश्न हैदर का मनाने की कसम खाई है, बिगड़ी तकदीर बनाने की कसम खाई है। थोड़ा बेदार होइए, मैं इंशाल्लाह शेर नजर करूंगा। समाप्त करें। मिट नहीं सकते जमाने से अजादारे हुसैन, इनको जहरा ने बचाने की कसम खाई है, इनको जहरा ने बचाने की कसम खाई है। और ये हालात हजरा पे शेर आप भी समाप्त कर लीजिए। जफर भाई मैं ये शेर आपकी मोहब्बतों के हवाले से पेश करता हूँ, पूरे मजमे तक पीछे वाले भी समाप्त करें। इनको जहरा ने बचाने की कसम खाई है, सारी दुनिया दाइश को मिटाने की कसम खाई है, सारी दुनिया से है। ये जो महफिलों में कुछ लोग इसके खिलाफ भी होते हैं, मैं एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि ये सुन्नत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम है, सुन्नत मौलाए कायनात है। कुछ लोग कहते हैं महफिलों के स्टेज से इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, वो गलत कहते हैं, चूँकि ये इमाम की सुन्नत है और आप इमाम के शहदा हैं। एक शेर सुनिए जरा अपने मिजाज को, यहीं से महफिल का माहौल बना दीजिए ताकि बेताब भाई भी खुल के पढ़े। टूट जाता खाई है। मैंने बड़ी से बड़ी महफिलों में बेताब भाई, मीसम भाई, बिलाल भाई, इन लोगों के बाद पढ़ा है। इतना मुश्किल मरहला नहीं था मेरे लिए जितना आज मैं जनाज़ा फराबादी साहब की वहां जनाब भाई। इसको नोट कर लीजिए, मैं आपके बाद भी महफिल पढ़ रहा हूँ, मजमा सुन रहा है। सारी दुनिया से है एलाने हसन नसरुल्ला, हमने दाइश को मिटाने की कसम खाई है, खुद को झूले से गिरा कर अली असगर ने कहा, खुद को झूले से गिरा कर अली असगर ने कहा, मैंने मैदान में जाने की कसम खाई है। और तेरी
की कसम खाई है। और ये आखिरी दो शेर समाप्त करें। सारी दुनिया से ऐलान हसन नसरुल्लाह, हमने दाइश को मिटाने की कसम खाई है। समाप्त करें हजरत, शायरी दो मिसों में मैं नजर करता हूँ, समाप्त करें। जिसको बीमार समझता है यजीदी लश्कर, उसने दरबार हिलाने की कसम खाई है। उसने दरबार हिलाने की कसम खाई है। आखिरी शेर और एक फैसला तमाम मोमिनीन की तरफ से पेश करता हूं, समाप्त करें। आपके आपने जिस कलाम की फरमाइश की है, इतना सख्त कलाम है, लेकिन चूंकि मौजू ऐसा है, शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के लिए इन्होंने फरमाइश करी है, मासूमा के नाम पर सलावत वाजिब होती है। मैं पढ़ दूंगा दो तीन शेर, यकीन जानिए शहजादी के लिए नौहे बेशुमार हैं, फजाइल बहुत कम है। किरतार साहब, तो मैं एक मतलब दो शेर अब इनका हुक्म है, समाप्त करें। मुदस्सिर साहब देखिए, सारी दुनिया से है ऐलान हसन नसरुल्लाह, हमने दाइश को मिटाने की कसम खाई है। कसम खाई है। सलवात बाबा से बुलंद, हर सब्र की महफिल का उनवान सकीना है। मैं एक मतलब को शेर पढ़ता हूँ, आपने हुक्म दिया है तो जरा सा अपने हुक्म की लाज रखिएगा। मैं एक मतलब दो शेर गिरताज साहब समाप्त करें। तहजीब तमादुन का कुरान सकीना है, तहजीब तमादुन का कुरान सकीना है, सकीना है। शेर मुआदा फरमाइए हजरत, बतौर खास समात करें। प्यासों के कबीले की सुल्तान सकीना के सही पे पर जुजदान सकीना है, खुतबों के सही पे पर जुजदान सकीना है। और ये भी शेर समाप्त करें हजरत, खुतबों के सही पे पर जुजदान सकीना रे, सूरत में अलम की है कुरान आतश गाजी, सूरत में अलम की है कुरान
शिकीज की सूरत में उनवान सकीना है, शिकीज की सूरत में उनवान सकीना है। अब ये शेर हासिल कलाम पेश करता हूँ आमिर साहब, चूँकि हुक्म दिया है शहजादी की मनकबत हो रही है और मजमा इस वक्त मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहा है। समाप्त कर अब पूरे मजमे की तवज्जो शबाब साहब, वकार साहब, हमारे बेताब भाई। मुंह क्यों न छुपा लेती दरबार सितमगर में, मुंह क्यों न छुपा पहचान सकीना है। और ये आखिरी शेर तज़मीन का शेर, तज़मीन का शेर पूरे मजमे की तवज्जो, हर सब्र की महफिल का उनवान सकीना है। ये मिसरा मीरपुर आजमगढ़ का था, वहीं का मिसरा था, आमिर साहब मौजूद थे। मैं तज़मीन पढ़ता हूँ, समाप्त करें हासिल कलाम शेर। हर सब्र की महफिल का उनवान सकीना है, हर सब्र की महफिल की तफसील तो ज़ैनब है, हर सब्र की महफिल की तफसील तो ज़ैनब है, हर सब्र की महफिल